मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते दोस्तों। आज सुबह सुबह मैं छत पर हूँ। एक गार्डन का मेरा एक साइड है, पूरा गार्डन का हाल बहुत ख़राब है। बहुत सारे गमला मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, मिट्टी तैयार करने में लगी हूँ। 2 दिन हो गया मैं एक एक वेजिटेबल्स लेकर आई हूँ मार्केट से, तो मैंने लगाया नहीं, मिट्टी ठीक से प्रिपेयर नहीं हुए। तो आज ये वेजिटेबल्स आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये है जुकीनी या स्क्वाश। देखिए इसका पत्ता कितना बड़ा बड़ा, और यही मिला मुझे इस साल। पिछले साल भी मैंने इसको लगाई थी। ये जुकीनी 2 कलर की होते हैं, येलो एंड ग्रीन। ठंडा में ही ये होते हैं ज़्यादा, इसका क्वालिटी अच्छा होते हैं। ये दिखने में जैसे क्यूकम्बर होते हैं ना, उस तरह का ही होते हैं, एकदम उस टाइप की। और इसको लगाना लगाना होते जैसे लौकी हम लोग लगाते हैं, लौकी या पम्पकिन, इस तरह उसे लगाना ही है। एक टाइप की उस टाइप का ही एक ट्रेलिंग प्लांट तरह होते हैं, उस ज़्यादा नहीं होते। इसको लगाने के बाद एक स्टिक देकर इसे बांधना पड़ेगा। लगाने से पहले इसके बारे में मैं थोड़ा शेयर कर रही हूँ। ये बहुत हेल्थ के लिए अच्छा होते हैं। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, फाइबर, बहुत सारे गुण होते हैं इसमें। ये डायबिटीज़, यूरिक एसिड को कंट्रोल करते हैं। सबसे बड़ी बात है ये वुमेन कैंसर को प्रोटेक्ट करते हैं। इसमें मैग्नीशियम है, इसीलिए ये हार्ट को भी अच्छा रखता है। ये खाने से बहुत अच्छा होते हैं शरीर के लिए। ये बोन को भी स्ट्रांग करते हैं, मांसल को भी स्ट्रांग करते हैं। विदेश में तो पूरा साल भर ये ज़मीन में लगाते हैं, उधर ठंडा ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए हमारे देश में इसके ऊपर काम कर रहे हैं, लगाते हैं ज़मीन पे। अक्टूबर महीने में इसका सीड लगाते हैं फार्मर लोग। दिसंबर के लास्ट वीक, जनवरी के फर्स्ट वीक या मिडिल के अंदर ही ये पूरा कंप्लीट हो जाते हैं। और इसका वेट एक एक 300 ग्राम से 500 ग्राम भी होते हैं। और इसको लगाने के लिए इसका मिट्टी का पीएच लेवल 5 से 7 तक होना चाहिए। ये 70-80 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाते हैं। और इसके मेल फीमेल दोनों होते हैं। ये देखिए इसमें अभी आ गया फ्लावर, ये सूख गए, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैं रख दिए। ये मेल है, ये देखिए इसका फ्लावर, देखिए ये मेल। और फीमेल भी होते तो नीचे से मोटा जैसे होते हैं, ऐसे लगता है। को जैसे ग्राउंड में, ज़मीन में लगाते हैं किसान लोग, तब इसके डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होते हैं। 2.5 फुट या 3 फुट डिस्टेंस मेंटेन करके इसको लगाते हैं फार्मर लोग। और एक एक प्लांट में 7-8 से भी ज़्यादा फ्लावर आते हैं और फ्रूट भी बन जाते हैं। इससे भी ज़्यादा भी होते हैं, मेरे पास तो 6-7 हुए एक एक टाइम, कभी भी 5 भी हुए। बहुत बढ़िया बढ़िया होते हैं। येलो कलर तो बहुत देखने में सुंदर होते हैं। ये पता नहीं ये कौन सा इस बार कलर होगा, मुझे ठीक से नहीं पता। तो कभी कभी इसके जो डांडिया है ना, ये ख़राब हो जाते हैं और इसके फ्लावर भी ख़राब हो जाते हैं। तब क्या करना है, इसके जो नीचे जो स्टेम है, इस स्टेम से पूरा काट देना चाहिए। और अभी मैं इसको लगा कर आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसके लिए क्या क्या लेना है, ये मैंने ले लिए। देखिए इधर 50% सैंडी सॉइल लिया, ये देखिए 50% मैं कंपोस्ट ले लिया। कंपोस्ट इसमें है, कंपोस्ट मतलब काउडंग 25%। और इसमें देखिए भर्मी कंपोस्ट है 1 किलो का पैकेट, ये मैंने 25% मिला दिया। इसके साथ 1 टीस्पून एंटी फंगल पाउडर देना है, और नीम खली 2 टीस्पून, हॉर्नमिल 1 टीस्पून। जिसके पास हॉर्नमिल नहीं है वो इसे नहीं देना है, कोई बात नहीं। और लगाने का टाइम मैं 0.5 टीस्पून DAP मैं दे दूंगी। और एक्सेल डस्ट तो मैं देती हूँ सब टाइम सब पौधा में, ये भी एक्सेल डस्ट है। 0.5 टीस्पून मैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाउडर मैं इसमें डाल दूंगी। इसमें बोरोन, जिंक, मैग्नीशियम, सल्फर सब कुछ है। अभी मैं इसको लगा रही हूँ। पहले क्या करना है, मैं सब टाइम बोलती हूँ, इसके ड्रेनेज होल के ऊपर ध्यान देना चाहिए। देखिए इसमें ड्रेनेज होल है,
इसके ऊपर यही गमले का एक टुकड़ा लेना चाहिए, ऊपर ऐसा ही होना है और अंदर ऐसा होना, इस तरह का इसको देना है इसके ऊपर। और ये मेरा 10 इंच गमला है, इसके ऊपर क्या देना है, ये जो बालू छानने के बाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होते हैं जो बालू, वो छानने के बाद जो स्टोन है वही स्टोन इसके ऊपर एक क्लियर स्टोन का दे रही हूँ। इसको ठीक से दबाना है, एयर पॉकेट रहना नहीं चाहिए, मैं सब टाइम बोलती हूँ। और इसके ऊपर सैंड दे रही हूँ, बालू, एक क्लियर बालू का दे दिए मैंने। उसके बाद मैं मिट्टी दे रही हूँ, मैं बालू मिट्टी के साथ कंपोस्ट मिला रही हूँ, देखिए डाल रही हूँ कंपोस्ट, एक साथ मिला देती हूँ, हो गया। इस पर क्या दे रही हूँ, देखिए 2 टीस्पून नीम खली, 1 टीस्पून हॉर्न डस्ट, 10 इंच गमला के लिए 8 दाना DAP दे रही हूँ, और 2 टीस्पून बोन मिल। बोन मिल एक एक टाइम बरसात के टाइम में खराब हो जाते हैं, इसीलिए सुपर फॉस्फेट 1 टीस्पून इसमें दे दीजिएगा। और एंटी फंगल पाउडर मैं दे रही हूँ 1 टीस्पून, ये तो देना ही है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाउडर देखिए 1/2 टीस्पून मैं दे रही हूँ, और एक्सेल डस्ट 1 टीस्पून, हो गया। देखिए इसको मिलाना है, मिला लिया। इस बार मैं गमला में डालूंगी, देखिए इस तरह करना है, एयर पॉकेट होना नहीं चाहिए। तो देखिए ये मेरा प्लांट है, इसको लगाना है, देखिए पॉलीथीन से पैक हुए, इसको देखिए दोस्तों, इसका जड़ देखिए, ये कितना सुंदर व्हाइट कलर का, ये देखिए एकदम नीचे तक आ गया। इसे खोलकर मैं गमला में दे रही हूँ, देखिए ये पौधा को मैंने इसके ऊपर रख दिया, और इसके ऊपर मैं मिट्टी दे दिए, और अभी भी कुछ बाकी है, देखिए मैं कर रही हूँ। इस साइड पे मैंने मिट्टी भर दिया, और देखिए इधर थोड़ी सी बाकी है, और फड़ने का टाइम देखिए ऐसा करना है, जैसे एयर पॉकेट रहना नहीं चाहिए। मिट्टी पूरा भरने के बाद क्या करना है, खाद पानी ऐसा ये सब देना है, इसीलिए 2 इंच कम मिट्टी भरना है। देखिए इसके बाद पानी देना है, इस दोनों साइड पे मैं 2 लकड़ी दे दूंगी, और इसको लकड़ी के साथ बांधना पड़ेगा मुझे। दोस्तों ये मिट्टी देना पूरा कंप्लीट हो गया मेरा, इसके बाद क्या करना है, पूरा पानी देना है, भर भर के पानी देना है, ऐसा पानी देना है जो गमले से नीचे से निकल जाए, ऐसा पानी देना है। मैं अभी नहीं दे रही हूँ, बाद में दे रही हूँ, क्योंकि मैं अभी बात कर नहीं पाऊंगी, इसलिए नीचे से पानी निकल गए, तो बाद में लास्ट में मैं पानी दे दूंगी।
और उसके बाद क्या करना है, ये जो लकड़ी देख रहे हैं आप, देखिए इस स्टिक दो साइड में मुझे गाड़ना है, क्योंकि इस प्लांट को लकड़ी की सहायता पड़ेगा बाद में। इसके साथ मैं ये जब प्लांट बड़ा होगा तब मैं इसके सहायता से ये ऊपर उठेगा थोड़ा सा, और इसके जो फ्रूट होगा तब नीचे लटकेगा, अच्छा लगेगा। देखिए इस तरह, इसके बाद मैं इसके साथ बांध दूंगी ये रस्सी, ये सूतली से, देखिए ये सूतली, देखिए सूतली से मैं इसमें बांध दूंगी। उसके बाद क्या करना है, इसके एक दो दिन इसको छांव में रखिए, और उसके बाद फुल सनलाइट में दे दीजिएगा। इसके फर्टिलाइजर के बारे में बता दूं आप लोगों को, 19-19-19 जो NPK, एक लीटर पानी में एक चम्मच मिलाकर इसके पत्ते के ऊपर स्प्रे करना है, और इसके सॉइल के ऊपर भी देना है 19-19-19 NPK। पत्ता कम है अभी, अभी तो देना ही है, 10 दिन में एक बार NPK स्प्रे करना है। और क्या देना है, ये देख रहे हैं, ये सीविट फर्टिलाइजर धनजाइम गोल्ड, इसको एक लीटर पानी में 1 ml मिलाकर इसके पत्ते के ऊपर स्प्रे करना है, और वही पानी रह जाए तो इसके सॉइल के ऊपर दे दीजिएगा। ये महीने में 3 बार देना है इसे। और जैसे मैं देती हूँ सरसों की खोली, देखिए इसको 2 दिन पानी में भीगा कर रखिएगा, ज़्यादा दिन नहीं, 2 दिन भीगा कर, 1 लीटर बाद या 2 लीटर पानी में भीगा कर रखिएगा। उसके बाद इसको छान लीजिएगा, उसके साथ 1 टीस्पून एंटीफंगल पाउडर मिला दीजिए, और थोड़ा पानी मिलाकर पतला करके इसके सॉइल के ऊपर देना है महीने में 2 बार, 15 दिन के अंदर अंतर अंतर 2 बार देना है, यही है। और मैं जैसे करती हूँ सब्जी का छिलका मैं 1 लीटर पानी में भिगो कर रखती हूँ, वही 2 दिन उसको, उसे छान कर थोड़ा एंटीफंगल पाउडर मिलाकर वो भी मैं वीक में 1 बार इसमें दे दूंगी, यही इसका फर्टिलाइजर। ज़्यादा फर्टिलाइजर देने की ज़रूरत है ही नहीं। दोस्तों इसके पेस्ट के बारे में मैं बता दूँ, इसमें ज़्यादा होते हैं थ्रिप्स और वायरल इन्फेक्शन होते हैं। इसके लिए मैं क्या करती हूँ, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नीम ऑयल, उसके साथ 1/2 चम्मच कोई भी डिश वॉशर लिक्विड मिलाकर इसके ऊपर स्प्रे करती हूँ शाम 5 बजे के बाद एवरी वीक। और इस पे नहीं गया तो मैं क्या करती हूँ, 1 लीटर पानी में 30 ड्रॉप्स रोगोर प्लस या रोगोर मिलाकर स्प्रे करती हूँ वही शाम पे। देखिए ये है रोगोर प्लस या रोगोर, ऐसा ही मिल जाते हैं, आप इमिडाक्लोरोपिड भी यूज कर सकते हो। और वीक में 1 दिन मैं एंटीफंगल पाउडर 1 लीटर पानी में 1 टीस्पून मिलाकर इसके ऊपर स्प्रे करती हूँ वही शाम 5 बजे के बाद। इसमें पानी डाल दूँ आप लोगों को दिखा दूँ, देखिए मैं दे रही हूँ पानी, इसको थोड़ा हटा देती हूँ, आपको भी धीरे धीरे से पानी देना है। तो देखिए मैंने इसको लकड़ी के साथ बांध दिया इस तरह हुए, देखिए इस बार क्या करना है मुझे, ये जो अंदर जो खराब फ्रेम है इसको काटना है मुझे, नहीं तो ये एनर्जी ले लेगा। देखिए मैं काट रही हूँ, जो जो खराब है इसको काटना है। दोस्तों आज यही तक, अगले नए नए वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्ते।